माई सिटी नीट चैनल यूट्यूब पे आप सर्च करें और चैनल को प्लीज सब्सक्राइब जरूर करें। हेलो गाइज, तो आज के इस वीडियो में हम लोग 12th फिजिक्स कर रहे हैं, वो भी नर्सिंग पैरामेडिकल और फार्मेसी। जो भी स्टूडेंट तैयारी कर रहे हैं नर्सिंग पैरामेडिकल फार्मेसी, तो उन सभी स्टूडेंट के लिए मेरे चैनल पे फिजिक्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी तीनों सब्जेक्ट कराए जा रहे हैं। प्लेलिस्ट क्रिएट की गई है, सभी वीडियो चैनल पर जाएँ, चैनल पर प्लेलिस्ट पर जाएँ, प्लेलिस्ट क्रिएट की गई है, वहाँ पर सारी वीडियो डली है, आप लोग रिवाइज करते रहें। तो ये 12th फिजिक्स का चैप्टर नंबर 3 है, ये देख लीजिए, विद्युत धारा, करंट, इलेक्ट्रिसिटी आज हम लोग देखेंगे और इसी वीडियो में क्वेश्चन भी देख लेंगे। विद्युत धारा किसको कहते हैं? आवेश के प्रवाह से विद्युत धारा प्राप्त होता है, प्रति सेकंड प्रवाहित नेट आवेश के परिणाम से विद्युत धारा की माप होती है। जैसे ये क्या होती है, इसी जैसे मान लीजिए चार्ज फ्लोइंग पर सेकेंड इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट, ये देख लीजिए चार्ज फ्लो हो रहा पर सेकेंड में, तो उसी को तो कहते हैं करंट इलेक्ट्रिसिटी। तो ये इंस्टेंट करंट अगर निकालना है तो DQ/DT ये होता है फार्मूला। तो ये आप फार्मूला एकदम रट जाइएगा, काफ़ी बार क्वेश्चन पूछा जाता है करंट निकालने के लिए। तो विद्युत धारा एक अदिश राशि है, ये भी क्वेश्चन पूछा गया कि विद्युत धारा अदिश राशि किस अदिश। तो एक वीडियो मेरी ये बनी हुई है, स्केलर क्वांटिटी कौन कौन सी होती हैं और कौन कौन सी ये क्वांटिटी के ऊपर बनी हुई है, तो आप वो वीडियो ज़रूर देख लीजिएगा, आपको एकदम क्लियर हो जाएगा। और काफ़ी क्वेश्चन यहाँ से पूछे भी जाते हैं कि कौन कौन वेक्टर क्वांटिटी होती है, कौन स्केलर क्वांटिटी होती है, तो वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी या फिर प्लेलिस्ट में आप मिल ही जाएगी। फिर आपको एक फार्मूला और ये याद कर लेना है, यदि किसी अनुप्रस्थ काट से प्रवाहित होने वाला मुक्त इलेक्ट्रॉन की संख्या यन, यन क्या है, मुक्त इलेक्ट्रॉन की संख्या है, तथा अगर इलेक्ट्रॉन पर आवेश ई, ई क्या है, इलेक्ट्रॉन पर आवेश जो होता है, चार्ज होता है, उसका मान होता है, तब प्रति सेकंड प्रवाहित होने वाला विद्युत आवेश कितना होगा। तो ये आप लोग रट जाइएगा कि चार्ज इक्वल टू यन ई, चार्ज इक्वल टू क्या होता है, यन ई होता है, ये एकदम रटा होना चाहिए। तो इस ये जो फार्मूला आप देख रहे हैं, इसमें इसमें ई क्या होता है, ई तो ई क्या होता है, इलेक्ट्रॉन पर आवेश चार्ज होता है, तो इलेक्ट्रॉन पर आवेश चार्ज जो होता है तो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इक्वल टू होता है 1.6 × 10⁻¹⁹, 10⁻¹⁹ क्या होता है, 10⁻¹⁹ जूल होता है। तो ये यही ई की वैल्यू रख दी जाएगी और फिर उसमें यन की वैल्यू दिया रहेगा, तो वो आप लगा लेंगे ऐसे क्वेश्चन। फिर नेक्स्ट आप ये देख लीजिए, करंट डेंसिटी का फार्मूला ये है, ये करंट अपान एरिया, ये हो जाएगा इस विद्युत धारा प्रति इकाई अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल एरिया के रूप में व्यक्त किया जाता है। तो धारा ऊपर लिख लेंगे और एरिया नीचे, तो ये हो जाएगा इसका फार्मूला। करंट डेंसिटी का फार्मूला भी आप याद कर लीजिए, और करंट डेंसिटी जो होती है भी सदिश राशि होती है, ये देख लीजिएगा। नेक्स्ट ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फार्मूला ये आप लोग रट लीजिएगा, ये भी ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फार्मूला होता है, काफ़ी बार ये भी क्वेश्चन ऐसे पूछे ही जाते हैं। तो ओम्स लॉ क्या होता है, ओम्स लॉ ये भी इंपॉर्टेंट है, ओम्स लॉ क्या होता है, I=B/R, करंट = V/R, ये एकदम फार्मूला रटा होना चाहिए। B=IR ऐसे याद कर लीजिए, B=IR। अब I निकालने को मान लीजिए पूछता है, तो E=I=, ये देख लीजिए B/, ये R नीचे चला जाएगा जो इसके साथ में रहता है, तो ये हो जाएगा फार्मूला। इसी को अपना जैसे अपना चेंज करते रहिए, अगर R पूछता है तो R भी निकाल सकते हैं, I भी निकाल सकते हैं, B भी। R निकालना होगा तो I नीचे चला जाएगा और B निकालना होगा तो सिंपल फार्मूला ये है ही। तो ऐसे आप लोग B=IR ये फार्मूला आप एकदम रटे रहिए, जो भी निकालना रहेगा निकल जाएगा। और ये क्या होता है, इसका मात्रक ओम होता है, ओम इसका मात्रक होता है, तथा ओम क्या होता है, वोल्ट पर एम्पियर होता है, ओम क्या होता है, वोल्ट पर एम्पियर होता है। और कंडक्टेंस देख लीजिए, ये भी फार्मूला रटा होना चाहिए, कंडक्टेंस I/R होता है, और कंडक्टेंस जो होता है ये चालकत्व इसको हिंदी में कहते हैं, तो चालकत्व का SI मात्रक महो होता है, एकदम रट लीजिए, काफ़ी बार पूछा गया है कि कंडक्टेंस का SI मात्रक क्या होता है, महो होता है।
ये देख लीजिएगा, एकदम रटा होना चाहिए, आई इक्वल टू बी अपान आर, ये फार्मूला रटा रहेगा तो इसी से अपना मॉडिफाई कर लेंगे। और महो इक्वल टू क्या होता है, एम्पियर अपान वोल्ट होता है। और कंडक्टेंस का ये साई मात्रक साइमन होता है, ये भी रटा होना चाहिए, वन साइमन इक्वल टू वन महो होता है, ये भी सब रटा होना चाहिए। ओमिक कंडक्टर क्या होता है, ओमिक कंडक्टर या ओम के नियम का पालन करता है उसको ओमिक कंडक्टर कहते हैं, करता है, एक दिए गए तापमान पर इसका प्रतिरोध निर्धारित रहता है। ये देख लीजिए, नॉन ओमिक कौन कौन से होते हैं, नॉन ओमिक वो होते हैं या ओम के नियम का पालन नहीं करता है, इसका प्रतिरोध वेरिएबल होता है। तो ये नॉन ओमिक होते हैं जो इसके मतलब ओम पे डिपेंड नहीं करते हैं, यही तो है। एक बार क्वेश्चन पूछा गया था नॉन ओमिक चालक पे, क्वेश्चन पूछा गया था, ऐसे क्वेश्चन पूछा था कि व्हिच डज नॉट ओबे ओम्स लॉ आर नोन एज नॉन ओमिक सर्किट, कौन सा नॉन ओमिक सर्किट है जो ओम्स लॉ को फॉलो नहीं करता। तो ये तो इसमें ऑप्शन में दिया था डायोड दिया था, वही सही था, डी आई ओ डी ई, डायोड नॉन ओमिक सर्किट को फॉलो नहीं करता। डायोड हो गया, एक और रहता है ट्रांजिस्टर भी रहता है, ट्रांजिस्टर हो गया टी आर ए एन एस आई एस टी ओ आर, ट्रांजिस्टर भी नॉन ओमिक रूल को फॉलो नहीं करता है, ये भी ट्रांजिस्टर हो गया। फिर और उसमें ऑल ऑफ दीज उस ऑप्शन में सही था, जैसे ट्रांजिस्टर था, फिर एक था वो टार्च दिया गया था टी ओ आर सी एच, टार्च दिया गया था, टार्च बल्ब दिया गया था टी ओ आर सी एच, टार्च बी यू एल बी, टार्च बल्ब दिया गया था। तो और लास्ट ऑप्शन ऑल ऑफ दीज दिया गया था, तो ये नॉन ओमिक होते हैं। तो ये देख लीजिएगा नेक्स्ट, चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग क्या है, एसआई मात्रक ओम मीटर इनवर्स ये हो जाएगा, और इसका एसआई मात्रक क्या होता है, ओम के नियम का सदिश रूप वेक्टर फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ, वेक्टर फॉर्म में दिया गया है, ये वेक्टर फॉर्म में आप लोग देख लीजिएगा। और यहाँ से काफ़ी इंपॉर्टेंट है, प्रतिरोधकों के श्रेणी एवं समांतर में संयोजन, तो सीरीज और पैरेलल ग्रुपिंग देखेंगे रेजिस्टेंस का, यहाँ से इंपॉर्टेंट है। ये देख लीजिए आप किसका रेजिस्टेंस वाला याद कर लीजिए, ये रेजिस्टेंस है, ये रेजिस्टेंस है, तो ये किस में लगा है, सीरीज में लगा है, तो सीरीज में रेजिस्टेंस वाला याद कर लीजिए, और कैपेसिटर वाला आपको आसानी से याद हो जाएगा, ये कैपेसिटर है, दो कैपेसिटर सीरीज में बनाए गए हैं। अब अगर रेजिस्टेंस वाला याद कर लीजिए, रेजिस्टेंस अगर सीरीज में बनाया गया है तो ये फार्मूला लगेगा आर सीरीज आर वन, ये अगर निकालना है तो आर वन प्लस आर टू प्लस आर थ्री, कितने भी रेजिस्टेंस लगा है ये सीरीज में, ये फार्मूला होता है। कैपेसिटर में जस्ट सीरीज का उल्टा हो जाता है, अगर कैपेसिटर में हम लोग निकालेंगे सी कैपेसिटी पूरा टोटल निकालते हैं सी इक्विवेलेंट, तो उसमें वन अपान आर वन हो जाता है, ये फार्मूला आपको रटा होना चाहिए रेजिस्टेंस में, और आपको कैपेसिटर में जस्ट अपोजिट होता है, तो आप रेजिस्टेंस वाला याद कर लीजिए, रेजिस्टेंस में देख लीजिए सीरीज कंडीशन में ये फार्मूला होता है, और अगर पैरेलल में जाएंगे तो ये फार्मूला होता है आर पी आर वन प्लस आर टू, एकदम रट जाइए, यही फार्मूला एकदम रटिए ये वाला, या फिर यही वाला रटिए, दोनों रट लीजिए, ये तो शॉर्ट फॉर्म है, तो ये फार्मूला आप एकदम रट लीजिए, आसानी से क्वेश्चन सॉल्व होंगे, या व्हाइट स्टोन ब्रिज का दिया हो या ऐसे ही क्वेश्चन, कभी रेजिस्टेंस पूछता है कभी करंट पूछता है सर्किट बना के, तो ये क्वेश्चन हो जाते हैं आसानी से अगर आपको पता रहता है। मैक्सिमम पावर थ्योरम क्या है, मैक्सिमम पावर थ्योरम किसी बैटरी द्वारा बाह्य परिपथ में उपलब्ध शक्ति को महत्तम होने के लिए बैटरी का आंतरिक प्रतिरोध इंटरनल रेजिस्टेंस बाह्य परिपथ में लगे प्रतिरोध के बराबर होना चाहिए, ये सब दिया गया है। और चलिए ये भी इम्पॉर्टेंट है, ये भी देख लेते हैं, काफ़ी बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि किरचाफ ला क्या होता है, किरचाफ का फर्स्ट नियम और किरचाफ का सेकंड रूल, दो रूल हैं, तो किरचाफ के नियम क्या हैं, किरचाफ का नियम जो है किसी साधारण परिपथ में विद्युत धारा तथा विभवांतर के वितरण को ओम के नियम से प्राप्त किया जाता है, लेकिन जटिल कॉम्प्लेक्स विद्युत परिपथ में धारा एवं विभवांतर के वितरण को ज्ञात करने के लिए किरचाफ के नियम प्रयुक्त होते हैं। किरचाफ का पहला नियम जो था, चालकों के किसी जाल में किसी बिंदु पर मिलने वाली विद्युत धाराओं का बीजीय योग क्या होता है, शून्य होता है, ये काफ़ी बार क्वेश्चन ऐसे डायरेक्ट पूछा गया है, तो पहला नियम आपको एकदम याद होना चाहिए, पहला नियम ऐसे ये बात कर रहा है, जहाँ मान लीजिए बिंदु ओ बिंदु है, अब यहाँ से जब ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछा जाता है ना,
तो ऐसे आप मान लीजिए, अब यहाँ से भी करंट जा रहा है, यहाँ से भी करंट जा रहा है, और यहाँ से करंट निकल रहा है, और यहाँ से भी करंट निकल रहा है, और यहाँ से करंट दे रहे हैं, तो ये वैल्यू दे देता है कि यहाँ से दो दिए, फिर यहाँ से तीन दिए, अब यहाँ से कितना निकल रहा है, ऐसे क्वेश्चन पूछता है। तो यही कह रहा है चालकों के किसी जाल में किसी बिंदु पर मिलने वाली विद्युत धाराओं का बीजीय योग जो एलजेब्रिक सम होता है वो जीरो होता है। तो ऐसे क्वेश्चन काफ़ी बार पूछे जाते हैं एंट्रेंस एग्जाम में। आप अगर एंट्रेंस एग्जाम दिए होंगे कभी, तो ऐसे क्वेश्चन देखे होंगे। नहीं देखे होंगे तो आप अभी क्वेश्चन लगाएंगे तो मिलेंगे। द्वितीय नियम के फर्स्ट नियम और एक क्वेश्चन पूछता है, यहीं पे देख लीजिए कि जो ये किरचाफ का पहला नियम होता है किस पे डिपेंड करता है। काफ़ी बार क्वेश्चन ये पूछा गया है कि पहला नियम किस पे डिपेंड करता है, तो पहला नियम किरचाफ का फर्स्ट रूल चार्ज बेस होता है। चार्ज यहाँ लिख लीजिए, चार्ज बेस होता है, CHARGE, चार्ज बेस आवेश पे डिपेंड करता है, चार्ज BASED, चार्ज बेस होता है। और सेकंड नेम की बात करेंगे तो सेकंड जो रूल होता है ये एनर्जी कंजर्वेशन पे बेस होता है। किस पे? ENERGY, एनर्जी, CONSER, कंजर, BATION, कंजर्वेशन पर डिपेंड होता है। नोट डाउन कर लीजिएगा और अभी आगे क्वेश्चन भी होंगे तो एकदम क्लियर हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। द्वितीय क्या कह रहा है, किसी बंद विद्युत परिपथ के प्रत्येक भाग में प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा तथा उसके प्रतिरोध के गुणनफल का बीजीय योग परिपथ में लगे कुल विद्युत वाहक बल के बराबर होता है। तो ये आप लोग देख लीजिएगा, ये भी क्वेश्चन बार बार पूछा ही जाता है। ये सर्किट वाला है, जो सर्किट ऐसे बनता है, सेकंड रूल बना लीजिए, ये इसमें एक वो लगा दीजिए, पोटेंशियल लगा दीजिए, फिर यहाँ रेजिस्टेंस लगा दीजिए, यहाँ फिर रेजिस्टेंस लगा दीजिए, फिर यहाँ से एक कैपेसिटर लगा दीजिए, कैपेसिटर नहीं है, वोल्टेज है, फिर यहाँ पे ऐसे कर दीजिए, फिर यहाँ से ऐसे ले जाइए, तो ये था, यहाँ पे भी वोल्टेज लगा गया। तो इस चीज़ की बात कर रहा है सेकेंड नियम। चलिए पोटेंशियोमीटर देख लीजिए, पोटेंशियोमीटर से भी काफ़ी बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं, घुमा फिरा के क्वेश्चन पोटेंशियोमीटर से भी आ ही जाते हैं, तो पोटेंशियोमीटर भी आपको पता होना चाहिए। तो ये देख लीजिए पोटेंशियोमीटर का मेन फंक्शन क्या होता है। पोटेंशियोमीटर बेस्ट इंस्ट्रूमेंट होता है, एक्यूरेट एकदम एग्जैक्टली मेजर कर लेता है EMF। ये भी क्वेश्चन पूछा गया कि पोटेंशियोमीटर किसका एग्जैक्ट मेजरमेंट करता है, तो इलेक्ट्रोमेटिव फोर्स का एग्जैक्ट मेजरमेंट कर लेता है। और ये भी क्वेश्चन पूछा गया कि ये पोटेंशियोमीटर जो होता है किस पे बेस्ड होता है, तो लेंथ पे बेस्ड होता है, ये भी क्वेश्चन पूछा गया है। तो ये देख लीजिए पोटेंशियोमीटर विभव मापी एक ऐसा विद्युतीय उपकरण है जिसके द्वारा किसी सेल के विभवांतर विद्युत वाहक बल EMF विद्युत वाहक बल अथवा किसी विद्युत परिपथ को दो बिंदुओं के बीच विभवांतर की माप की जाती है। तो ये हो गया विभव मापी तार के प्रति इकाई लंबाई के परिता विभवांतर, यदि प्रति लंबाई विभवांतर ओमेगा हो तो ये फार्मूला आप लोग याद कर लीजिए, यदि आंतरिक प्रतिरोध R0 हो तो ये फार्मूला हो जाएगा। ये सब फार्मूला आपको रटे होने चाहिए। पोटेंशियोमीटर कभी कभी पूछ लिया जाता है कि पोटेंशियोमीटर का फार्मूला कौन सा होता है, तो आप एक ये फार्मूला याद कर लीजिए, EMF निकाला जाता है पोटेंशियोमीटर से। तो EMF ये देख लीजिए, फार्मूला लिख लीजिए, E0 R L। R क्या हो जाता है, ये R जो है वायर का R होता है, ये एरिया R, और फिर इस्माल R, यहाँ पे R1 लिख लीजिए और L लिख लीजिए। इस फार्मूले पे क्वेश्चन पूछा जाता है। इंटरनल रेजिस्टेंस ये है जो R वाला है, तो ये क्वेश्चन EMF निकालने के लिए आ जाता है कभी कभी। और ओम्स ला अगर फॉलो करता है इसमें तो K=V/L हो जाता है। ये पोटेंशियल ग्रेडियंट निकालने के लिए पूछ लेता है कभी कभी फार्मूला, तो ये सब फार्मूला इसमें यूज किए जाते हैं। और अगर बैलेंस लेंथ पूछ लेता है, बैलेंस लेंथ भी पूछा है, तो V/L हो जाता है, ये फार्मूला हो जाता है। ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछा गया है और ये फार्मूला तो आपको एकदम रटा ही है, V=IR, ये भी क्वेश्चन पूछा ही गया है। तो ये सब फार्मूला एकदम रटे होने चाहिए पोटेंशियोमीटर में। तो ये हो गया, चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्या देखेंगे, यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी कंजप्शन। इलेक्ट्रिक एनर्जी कंजप्शन की यूनिट भी पूछी ही जाती है। तो एक किलो KWH, एक किलो ये देख लीजिए यूनिट, एक किलो वाट इज़ इक्वल टू क्या होता है, 3.6×10^13 R जो होता है।
और एक एक किलो वाट ये देख लीजिए, अगर जूल में देखेंगे तो 36 × 10⁵ होगा, और आर्ग में देखेंगे तो सेम है। तो आप जूल में भी रट लीजिएगा कि एक किलो वाट की वैल्यू कितनी होती है, और अर्ग में तो आपको एकदम रटा ही रहेगा 3.6 × 10⁻³। तो एकदम रटने का ये आसान तरीका है। अगर थ्री पॉइंट पॉइंट लगाएंगे तो वो 13 वाला होगा, पॉइंट लगाएंगे तो 13 अर्ग हो जाएगा, और पॉइंट नहीं लगाएंगे तो 36 × 10⁵ होगा, 5 वाला जूल होगा। ये एकदम रटा होना चाहिए। नेक्स्ट ये एकदम आप रट लीजिएगा कि गलत नहीं होगा। किलो वाट मात्रक की संख्या कितना होता है, वाट इंटू हावर अपॉन 100 जब करेंगे तो आ जाएगा। अब चलिए हम लोग क्वेश्चन भी इसी वीडियो में देख लेते हैं। तो आप लोग को लास्ट तक वीडियो देखा करिए, और वीडियो को क्या लाइक ज़रूर करिए। आप लोग लाइक नहीं करते सेल्फिश बनते जा रहे हैं, तो सेल्फिश बनने से कुछ नहीं होने वाला है। लाइक करिए, मेहनत लगता है वीडियो बनाने में, तो प्लीज़ आप लोग वीडियो को लाइक ज़रूर करें, और चैनल को अगर पहली बार आप वॉच कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। तो ये सब क्वेश्चन आप लोग देख लीजिएगा, और जितने भी स्टूडेंट नर्सिंग पैरा फार्मेसी के एंट्रेंस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं कि 2020 में आसानी से सिलेक्शन हो जाए, तो आप लोग को पढ़ना तो पड़ेगा ही, अच्छे से पढ़ाई करनी पड़ेगी, कंपटीशन अच्छा होता है। तो ये देख लीजिए फर्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा पदार्थ संयोजक तार बनाने के लिए सर्वाधिक उत्तम है, तो सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, तांबा। नेक्स्ट क्वेश्चन एक इसमें इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, वही क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, सभी क्वेश्चन डिस्कस नहीं करेंगे। तो जैसे थर्ड क्वेश्चन देख लीजिए, फ्यूज तार किस पदार्थ से निर्मित होता है, तो फ्यूज तार जो बनाया जाता है वो तांबा से निर्मित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग कौन सा देखेंगे, 5 नंबर देख लीजिए, 3 प्रतिरोधक जिनमें से प्रत्येक का प्रतिरोध R है भिन्न भिन्न तरीकों से संयोजित किए गए हैं, इनमें से कौन प्राप्त नहीं हो सकता, तो बी ऑप्शन 2/2R/4, या पैरेलल में करेंगे या सीरीज में तब भी 2/R/4 नहीं आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 6, एक 10 ओम तार की लंबाई को खींचकर 3 गुना लंबा कर दिया जाता है, तार का नया प्रतिरोध क्या होगा, तो 90 ओम हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ये देख लीजिए, ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट ही है, 7th नंबर, एक 220 वोल्ट का एक 1000 वाट का बल्ब को 110 वोल्ट स्रोत से जोड़ा जाता है, बल्ब के द्वारा खपत की गई शक्ति होगी, तो वो 250 वाट आ जाएगा जब लगाएंगे। नेक्स्ट किरचॉफ का प्रथम नियम, यह देख लीजिए किरचॉफ का प्रथम नियम एवं द्वितीय नियम क्रमशः आधारित होता है। अभी वही क्वेश्चन की बात कर रहे हैं, किरचॉफ का फर्स्ट नियम किस पे आधारित होता है, आवेश पे, चार्ज पे, और फिर सेकंड नियम किस पे आधारित होता है, एनर्जी कंजर्वेशन पे, ऊर्जा संरक्षण पे, तो ये ऑप्शन नंबर डी इसलिए करेक्ट हो जाएगा। एकदम रटा रटा है क्वेश्चन, और हर बार पूछा जाने वाला क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, तापक्रम बढ़ाने पर यदि प्रतिरोध घटता है तो वह है, वह अर्धचालक होता है, तो बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ये देख लीजिए चित्र में ए का विभव 10 वोल्ट है, 10 वोल्ट दे दिया गया है ए का विभव, और पृथ्वी में प्रवाहित धारा है, तो पृथ्वी में ये देख लीजिए पृथ्वी में जा रहा है तो 10 ही होगा, तो ऑप्शन नंबर ये फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर ये देख लीजिए, ये क्वेश्चन नंबर हम लोग कौन सा करेंगे, 12 नंबर, चित्र में मीटर ब्रिज प्रदर्शित है, यक्स का मान है, तो यक्स का मान क्या होगा मीटर में, तो ए ऑप्शन 10 ओम होगा। अपना ये लगाएंगे तो हो जाएगा, फार्मूला बता दिए थे वही फार्मूला लगेगा इसमें। नेक्स्ट व्हीट स्टोन ब्रिज में भुजा प्रतिरोध PQRS होता हो तो संतुलन की स्थिति क्या होगी, तो संतुलन की स्थिति यही फार्मूला है मीटर, ये व्हीट स्टोन का फार्मूला यही होता है। तो ये क्वेश्चन देख लीजिएगा 13 नंबर, ये व्हीट स्टोन, जैसे मान लीजिए ये व्हीट स्टोन ब्रिज है, ये ऐसे व्हीट स्टोन ब्रिज बना देते हैं, तो यहाँ से फिर उसके बाद यहाँ से एक लगा देते हैं, फिर यहाँ से एक रेजिस्टेंस, फिर यहाँ से कर देते हैं, फिर यहाँ से निकाल के फिर नीचे लेके आके वोल्टेज लगा देते हैं, तो ऐसे बन जाता है व्हीट स्टोन ब्रिज। तो व्हीट स्टोन ब्रिज का फार्मूला ही होता है यही, जैसे वहाँ पे लगा रहेगा R1/R2 हो गया, फिर R2 हो गया R3/R4 हो गया, ऐसे फार्मूला लग जाता है, फिर उसके बाद हम लोग क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। तो वही चीज़ तो कह रहा है PQRST, यही तो बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा इस क्वेश्चन का। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग करते हैं, ये देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 15 देख लीजिए, आपको एक एक ओम का 3 प्रतिरोध दिया गया है, इनके संयोजन में न्यूनतम प्रतिरोध प्राप्त किया जा सकता है,
तो 1/3 ओम प्राप्त किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिए गए चित्र में ए तथा बी के बीच समतुल्य प्रतिरोध हम लोग को देखना है, तो समतुल्य प्रतिरोध निकालेंगे, तो प्रतिरोध निकाल लेंगे बीच कल टू आई आर यही, और क्या निकालना है प्रतिरोध, इसमें पहले हम लोग प्रतिरोध भी निकालना है, तो ये देख लीजिएगा जब लगाएंगे फार्मूला तो फर्स्ट ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक आदर्श वोल्ट मीटर का प्रतिरोध होता है, एक आदर्श वोल्ट मीटर का प्रतिरोध जो होता है वो अनंत होता है, क्वेश्चन पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आर के किस मान के लिए धारा आई सबसे अधिक होगा, तो आर के किस मान के लिए धारा सबसे अधिक होगा, तो ये R/4 के लिए सबसे अधिक होगा, तो डी ऑप्शन ही करेक्ट हो जाएगा। आदर्श अमीटर का प्रतिरोध क्या होता है, तो शून्य होता है, ये भी क्वेश्चन पूछा ही गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हम लोग ये देख लीजिए 21 क्वेश्चन, एक प्रतिरोधक का प्रतिरोध R है, यह चर R प्रतिरोधक चार R प्रतिरोध की श्रेणी में है तथा एक सेल EMF इनके आड़े लगा है, आरंभ में दोनों के प्रतिरोध तुल्य हैं, चर चार प्रतिरोध का मान एक समान दर से काम किया जाता है, परिपथ में धारा क्या होगी, तो ये बढ़ते बढ़ते एक अचर मान को प्राप्त हो जाएगा। नेक्स्ट, दिए दिखाए गए परिपथ के बिंदुओं ए और बी के बीच तुल्य प्रतिरोध होगा, तो ये व्हीट स्टोन ब्रिज बनाएंगे फिर उसके बाद सॉल्व करेंगे, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर ये देख लीजिए, ये व्हीट स्टोन ब्रिज दिया ही गया है, परिपथ में यक्स के निम्न में से किस मान के लिए गैल्वेनोमीटर की धारा शून्य होगी, तो ऑप्शन नंबर C 20 आ जाएगा, ये सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, प्रतिरोधकता ताप गुणांक का SI मात्रक क्या होता है, तो ये केल्विन इनवर्स होता है, ऐसे भी आप इसको लिख सकते हैं, ये भी ऐसे ऐसे कभी दिया रहता है कि प्रतिरोधकता ताप गुणांक का SI मात्रक क्या होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, यदि ताप का मान 3 डिग्री सेंटीग्रेड से बढ़ा दिया जाए तो प्रतिरोधकता गुणांक का मान क्या होगा, तो लगभग समान रहेगा, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, स्विच ऑन करने के बाद एक इलेक्ट्रिक बल्ब का ताप क्या होता है, तो वो फर्स्ट टाइम बढ़ता है और तब स्थिर हो जाता है, कांस्टेंट हो जाता है, तो डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, 100 वाट हीटर के द्वारा उत्पन्न ताप 2 मिनट में किसके बराबर होगा, तो 12×10³ जूल के बराबर होगा, ये देख लीजिएगा। नेक्स्ट हम लोग कौन सा क्वेश्चन 29 देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन संबंध धारा घनत्व कहा जाता है, तो धारा घनत्व कहा जाता है, तो I/A, ये एकदम हम लोग क्वेश्चन रटे थे। नेक्स्ट, दिए गए परिपथ में धारा क्या होता है, तो इसमें धारा पूछ रहा है, दिए गए परिपथ में धारा क्या होगा, तो धारा जब ये सॉल्व करेंगे तो ऑप्शन नंबर D2 आ जाएगा, 2 एम्पियर। एक राड का प्रतिरोध एक ओम है, यह वर्ग के रूप में मोड़ा गया है, मिलने वाले कोने के पार प्रतिरोध क्या होगा, तो 3/16 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हम लोग कौन सा करेंगे, ये देखिए 35 नंबर क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, 1 किलो वाट किसके बराबर होता है, तो 1 किलो वाट किसके बराबर होता है, तो ये देख लीजिए जूल में दिया गया है, तो 3.6×10⁶ जूल, अगर यहाँ पे 5 दिया रहेगा तो ये 36×10⁵ जूल दिया रहेगा, यहाँ पे पॉइंट लगा देंगे तो यहाँ पे 6 हो जाएगा, तो ये चीज़ की बात की गई है, यहाँ पे अगर पॉइंट लगाएंगे तो यहाँ से 1 हो जाएगा क्योंकि एक बढ़ा देंगे, तो ये कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर इसमें डी करेक्ट हो जाएगा। जैसे हम लोग देखे नहीं थे 1 किलो वाट, चलिए 1 किलो वाट जूल वाला देख लेते हैं, 1 किलो वाट जूल वाला कौन सा था, 1 किलो वाट जब जूल वाला हम देखे थे तो 1 किलो वाट जूल वाला जब देखे थे तो ये देख लीजिए 1 किलो वाट ये जूल वाला है नहीं, 36×10⁵ है, और अगर यहाँ पॉइंट लगाएंगे तो यहाँ 6 हो जाएगा, तो वही क्योंकि एक इधर ले जा रहे हैं ना, लेफ्ट साइड में ले जा रहे हैं, तो 3.6×10⁵ था तो अब 6 हो जाएगा, तो यही ऑप्शन तो डी ऑप्शन में वहाँ पर दे रहा है। ये 35 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए, 35 नंबर क्वेश्चन कौन सा सही है, आप सी ऑप्शन मत लगाइएगा, डी ऑप्शन एकदम अच्छे से देख के लगाइएगा एग्ज़ाम में जब आएगा।
36 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए। स्वस्थ मनुष्य के शरीर का विद्युत प्रतिरोध होता है, तो स्वस्थ मनुष्य जो ह्यूमन हेल्थ रहता सही रहता तो उनके विद्युत प्रतिरोध कितना होगा, विद्युत प्रतिरोध पूछ रहा है तो 50,000 होता है, तो फर्स्ट ऑप्शन ही करेक्ट हो जाएगा इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग 38 देख लीजिए। 5 ओम प्रतिरोध के एक तार से जिसका विभवांतर 7 वोल्ट है 20 मिनट तक धारा प्रवाहित होती है, तो उत्पन्न उष्मा जो होती है वो कितना होगा, तो 2800 कैलोरी हो जाएगी। क्वेश्चन रटा रटाया है, एकदम रट लीजिए। विद्युत परिपथ की शक्ति होती है, तो विद्युत परिपथ का शक्ति क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, V² / R होगा, तो सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। एम्पियर घंटा मात्रक होता है, तो एम्पियर घंटा मात्रक किसका होता है ये देख लीजिएगा, तो आंसर इसमें बी आवेश का एम्पियर घंटा मात्रक होता है, तो बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, परिपथ में दिखाई गई धारिता पर आवेश होगा, तो आवेश कितना रहेगा ये देख लीजिए, तो आवेश जो इसमें 18 माइक्रो कूलाम, जब इसका सॉल्व करेंगे परिपथ में दिखाई गई धारिता पर आवेश चार्ज पूछ रहा, तो Q = क्या लगाएंगे आप, क्यों क्या था इसमें देख लीजिएगा फार्मूला, वही फार्मूला आप लगा सकते हैं, तो आप लगाएंगे फार्मूला आसानी से सॉल्व हो जाएगा, तो आप कोशिश ज़रूर करिए, सभी क्वेश्चन लगाइए और अच्छे से देखिए। किरचाप का द्वितीय नियम किस पे आधारित है, तो किरचाप का द्वितीय नियम किस पे आधारित है, तो ऊर्जा संरक्षण नियम पर आधारित है, तो कौन सा ऑप्शन आप लगाएंगे, ऑप्शन नंबर बी 42 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी आप लगाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हम लोग करेंगे 44। व्हाइट स्टोन सेतु से तुलना करता है, व्हाइट स्टोन जो होता है ब्रिज होती है, व्हाइट स्टोन सेतु से तुलना करता है किसका, प्रतिरोधों का, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन, मोबिलिटी का एसआई मात्रक कौन सा होता है, मोबिलिटी का तो कौन सा होता है, तो एम्पियर मीटर पर न्यूटन, तो फर्स्ट ऑप्शन ही करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, विद्युत वाहक बल की बीमा क्या होती है, तो आप डायमेंशन जब निकालेंगे तो डायमेंशन की एक वीडियो बनी हुई है, पहले आपको सभी यूनिट रटी होनी चाहिए तो आप आसानी से निकाल पाएंगे, तो ML²T-3 और करंट के पावर -1, ये विद्युत वाहक बल का बीमा है, रटना पड़ेगा ही अगर नहीं निकालना जानते हैं। चित्रानुसार जी देख लीजिए दिया गया है, गैल्वेनोमीटर लगाया गया है, जी से कोई धारा नहीं जा रही है, तो ई का मान क्या होगा, तो ई का मान आप निकालेंगे तो आएगा 7.2 वोल्ट आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे 49। विद्युत हीटर में जिस तत्व का व्यवहार किया जाता है वह क्या होता है, वह नाइक्रोम होता है, तो विद्युत हीटर में पूछता है जो उसमें एलिमेंट लगा होता है किसका बना हो, तो नाइक्रोम का, तो निक्रोम आप लोग एकदम रट जाइए। शोषित विद्युत ऊर्जा क्या होती है, तो सी ऑप्शन देख लीजिए, विभवांतर के वर्ग के समानुपाती होती है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। नेक्स्ट 51। व्हीट स्टोन ब्रिज से मापा जाता है, क्या मापते हैं, तो उच्च प्रतिरोध नापते हैं, एकदम रटा होना चाहिए ये देख लीजिए। व्हीट स्टोन ब्रिज दिया गया, दर्शाए गए नेटवर्क की सेल वाली संख्या में प्रवाहित धारा आई पूछ रहा है, तो V = IR आप ये फार्मूला लगा लीजिएगा, और इसमें क्या पूछ रहा है, करंट पूछ रहा है, तो ये हो जाएगा, ये V / R हो जाएगा, यहाँ पे V दिया गया, पहले आप R निकाल लेंगे, फिर फार्मूला रखेंगे, फिर आपका ये आएगा आंसर, कितना आएगा, तो आंसर 0.2 एम्पियर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हम लोग कौन सा करेंगे, 55 देख लीजिए। किलो वाट घंटा मात्रक होता है किसका, ऊर्जा का, तो बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा इस क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग करेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए हम लोग करते हैं, कौन सा क्वेश्चन, ये 62 नंबर क्वेश्चन करेंगे। किसी धातु का ताप बढ़ाने पर उसका प्रतिरोध क्या होगा, बढ़ेगा, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट ही करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन शक्ति की इकाई नहीं है, तो ओम पर एम्पियर स्क्वायर जो होता है वो शक्ति की पावर की यूनिट नहीं होती, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन ये देखिए, चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, ये देख लीजिए 67 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, जब किसी धातु प्रतिरोध का ताप बढ़ाया जाता है तब उसकी चालकता एवं प्रतिरोधकता का गुणनफल क्या होगा, तो अपरिवर्तित रहता है, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हम लोग 70 देखेंगे, विद्युत धारा का मात्रक क्या होता है, तो एम्पियर होता है, तो फर्स्ट ऑप्शन ही
करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर ये देख लीजिए, 72 नंबर क्वेश्चन कह रहा है एक विद्युत परिपथ में विभवांतर मापा जाता है, तो विभवांतर जो नापते हैं तब वो किस में नापते हैं, वोल्ट में नापते हैं, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 73, प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या है, तो प्रतिरोध का एसआई मात्रक जो होता है वो ओम होता है, तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। प्रतिरोध का बीमा क्या है, तो प्रतिरोध का डायमेंशन क्या होता है, एम एल स्क्वायर टी माइनस थ्री और एम्पियर के माइनस टू, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन, चलिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन हम लोग 76 देखते हैं, विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता का एसआई मात्रक क्या होता है, तो ओम होगा, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा। विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता की बीमा क्या होगी, तो एम एल स्क्वायर टी माइनस थ्री ए माइनस टू एम्पियर के, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हम लोग करेंगे, नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन ज़्यादा हम लोग थ्योरी वाले पोर्शन क्वेश्चन करेंगे, तो 82 देख लीजिए, किसी सेल का विद्युत वाहक बल मापा जा सकता है, किसमें, विभव मापी द्वारा। विद्युत वाहक बल की बीमा क्या होती है, तो एम एल स्क्वायर टी माइनस टू होती है, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन हम लोग करेंगे 86, चालकों के जाल से धारा प्रवाह को समझने के लिए उपयोग होता है, तो किरचॉफ के नियम का पालन कर रहा है, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन, विद्युत परिपथ किसी बिंदु पर सभी धाराओं का बीजगणितीय योग होता है, तो बीजगणितीय योग जो होता है वो शून्य होता है। आप लोग प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करें, वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें, और अगर पहली बार वॉच कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, अपने दोस्तों में अधिक से अधिक वीडियो को शेयर करें जिससे फॉलोअर्स बढ़ें, फिर मज़ा आएगा। तो ऐसे आप अपना सेल्फिश मत बने, अपना अच्छे से वीडियो को देखें और लाइक शेयर ज़रूर करें। 87 नंबर क्वेश्चन, आप वीडियो को डाउनलोड करके मत देखा करिए, काफ़ी स्टूडेंट वीडियो को क्या कर रहे हैं, डाउनलोड कर ले रहे हैं फिर उसके बाद देख रहे हैं, तो डाउनलोड अभी मत किया करिए, जब बोलेंगे तब डाउनलोड करना, अभी डाउनलोड मत किया करिए क्योंकि दिक्कत हो रही है। तो ये देखिए क्वेश्चन 87, विद्युत परिपथ किसी बिंदु पर सभी धाराओं का बीजगणितीय योग क्या होता है, तो शून्य, ये हो गया। नेक्स्ट 88, व्हीट स्टोन ब्रिज का उपयोग होता है, तो उच्च एवं अल्प दोनों ही प्रतिरोध के मापन में किया जाता है व्हीट स्टोन ब्रिज। ये देखिए क्वेश्चन, विद्युत धारा I का मान क्या होगा, तो एकदम सिंपल क्वेश्चन है, बीज कल टू IR आप फार्मूला लगा लीजिए। अब पहले ये क्या निकालना है, I निकालना है, तो I इज कल टू क्या हो जाएगा, V अपान R हो जाएगा, R यहाँ से निकाल लीजिए, V दिया गया है, तुरंत निकालेंगे I आपका निकल जाएगा, जब ये करेंगे तो 1/10 एम्पियर ये आ जाएगा, एकदम सिंपल क्वेश्चन है। नेक्स्ट हम लोग चलिए देखेंगे, अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल ए वाले किसी चालक तार के प्रवाहित धारा आई होती है, तो आई कितना होता है, तो ये देख लीजिए, फार्मूला एकदम रटा होना चाहिए, और ये पहले थ्योरी वाले पोर्शन में मैंने बताया भी था, तो ये एकदम हो जाएगा आपका। नेक्स्ट ये देख लीजिए 93, किसी धातु के तार को गर्म करने पर उसका प्रतिरोध क्या होगा, तो उसका प्रतिरोध जो होगा वो बढ़ेगा, तो बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन, चलिए हम लोग नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन देखते हैं 95 नंबर, किरचॉफ का बिंदु नियम पॉइंट रूल पालन करता है किसका, आवेश की संरचना का सिद्धांत है, पॉइंट रूल फॉलो करता है, तो आवेश चार्ज वाला मतलब फर्स्ट रूल की बात कर रहा है, आवेश वाला कौन सा है, एनर्जी बेस्ड कौन सा, एनर्जी कंजर्वेशन बेस्ड नहीं, एनर्जी पॉइंट रूल कौन सा होता है, तो पॉइंट रूल जो होता है किरचॉफ सेकंड रूल लूप रूल होता है, और जनसन रूल कौन सा होता है, किरचॉफ फर्स्ट रूल होता है, तो सेकंड रूल की बात कर रहा है, सेकंड रूल की बात कर रहा है क्योंकि सेकंड रूल पॉइंट रूल होता है, तो ये ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी कंजर्वेशन, तो बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चार्ज और एनर्जी चार्ज बेस ये फर्स्ट रूल की बात कर रहा है यार, सेकंड नहीं, जनसन रूल की बात कर रहा है, क्योंकि एक ही पॉइंट पे सभी का चार्ज क्या होता है, जीरो होता है ना, तो वो चीज़ की बात कर रहा है, तो आवेश मतलब चार्ज वाले की बात कर रहा है, चार्ज वाला, तो चार्ज बेस कौन सा था, तो वो था ही कौन सा, फर्स्ट रूल था। नेक्स्ट 96, परिपथ का गुण
जो विद्युतीय ऊर्जा को ताप में बदलता है क्या कहलाता है? तो प्रतिरोध, ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा। किसी चालक में विद्युत धारा के प्रवाह का कारण क्या होता है? तो विद्युतीय विभव में अंतर, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा इस क्वेश्चन का। एक ही वीडियो में काफ़ी क्वेश्चन कराने में काफ़ी दिक्कत होती है, बट क्या करें, अभी दूसरा वीडियो बनाएंगे तो फिर आप लोग को अभी प्रॉब्लम होगी, तो इसीलिए इसी में करा दे रहा हूँ। तो ये देखिए 102, इनमें से कौन सही है? तो फर्स्ट ऑप्शन धारा अदिश है और धारा घनत्व सदिश है, ये देख लीजिएगा। तो चलिए अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट और इसके क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन नहीं करेंगे, नेक्स्ट चैप्टर करेंगे। ये एक क्वेश्चन और देख लीजिए 109 का, इलेक्ट्रॉन वोल्ट द्वारा मापा जाता है क्या? इनमें से किसी को भी इलेक्ट्रॉन वोल्ट द्वारा नहीं मापा जाता, ना ही विभवांतर को, ना ही आवेश को, ना ही धारा को। और ये भी देख लीजिए, ऋणावेश का प्रवाह होता है, तो ऋणावेश का निम्न विभव से उच्च विभव की ओर ऋणावेश का प्रवाह होता है। तो ये सब क्वेश्चन थे, और ये भी क्वेश्चन आप लोग देख लीजिए, क्योंकि क्वेश्चन देख लीजिए, क्वेश्चन ही अगर क्वेश्चन आप लोग देखे रहेंगे वही क्वेश्चन एग्जाम में ज़्यादा सही होने के चांस होते हैं। जो क्वेश्चन हम जितनी बार देखे रहते हैं वही क्वेश्चन सही होते हैं, नया क्वेश्चन आ जाता है तो फिर बाहर कहते हैं काफ़ी टफ आ गया था। तो टफ कैसे लगता है कि क्योंकि वो क्वेश्चन हम लोग कभी देखे ही नहीं है ना, तो क्वेश्चन आप लोग अधिक से अधिक सॉल्व करके जाइए। ताप वैद्युत युग में प्रवाहित धारा को कहा जाता है क्या कहा जाता है? सीबेक धारा कहा जाता है, सीबेक इफेक्ट, सीबेक करंट, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा। व्हीट स्टोन ब्रिज का व्यवहार किया जाता है मापने में किसके? तो प्रतिरोध के। ताप वैद्युत युग्म एक साधन है जो रूपांतरित करता है, क्या रूपांतरित करता है? ये ऊष्मा ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करता है, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन ये देख लीजिए, किसी चालक का विशिष्ट प्रतिरोध बढ़ता है, तो अगर ताप बढ़ाएंगे तो विशिष्ट प्रतिरोध भी बढ़ेगा, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट वीडियो में बेस्ट वीडियो प्रोवाइड करेंगे, तो प्लीज़ आप लोग वीडियो को लाइक करें और शेयर ज़रूर करें। काफ़ी मेहनत से ये वीडियो कितने मिनट की हो गई? 36 मिनट की, काफ़ी मेहनत करनी पड़ती है, ऐसे तो वीडियो बनते नहीं है ना। हाँ, तो फिर आप लोग को भी शेयर सब्सक्राइबर सब करने हैं, और जितने भी स्टूडेंट नर्सिंग पैरामेडिकल फार्मेसी 2021 में करना चाहते हैं ना, तो अभी फॉर्म अप्लीकेशन यूनिवर्सिटी की आएगी, ये मत समझिए नीट के थ्रू सभी एग्जाम होंगे, ऐसा कुछ नहीं है। अगर होंगे भी तो आप नीट का फॉर्म ज़रूर भर दीजिएगा, और नीट का फॉर्म भरना चाहते हैं तो अभी अप्लीकेशन फॉर्म फिलअप चल रहे हैं, डेट अभी एक हफ्ता बाकी है, तो फॉर्म भी भर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। वैसे तो जो यूनिवर्सिटी हैं वो नर्सिंग पैरा की फॉर्म निकालेंगे ही, कि सिर्फ बीएससी नर्सिंग की बात हुई है कि बीएससी नर्सिंग नीट के थ्रू भरे जाएंगे, वो भी बीएचयू और जिमर की अभी बात हो रही है साइट पे। तो आप लोग पढ़ाई तो ज़रूर करिए, आप मान के चलिए 2 महीना 60 दिन है, तो 60 दिन तो अभी 60 अगर काउंट करेंगे फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी के तो लगभग 80 चैप्टर जाएंगे, तो कब आप पढ़ाई शुरू करेंगे भाई? पढ़ाई शुरू कर दीजिए, आप लोग पढ़ाई करेंगे तभी आप लोग नर्सिंग पैरामेडिकल फार्मेसी के अच्छे कोर्स आपको मिल पाएंगे, क्योंकि कंपटीशन अच्छा है, तो कंपटीशन अच्छे रहने के लिए आपको भी अच्छा ही बनना पड़ेगा, तभी कंपटीशन बीट कर पाएंगे। तो पढ़ाई करते रहिए, चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे और बेस्ट वीडियो प्रोवाइड करेंगे। थैंक यू।